अनबॉक्सिंग करने वाले इस वाले रियलमी थ्री फोन की। ये फोन तो इतना ही कमाल फोन है, इतना ही ज्यादा अच्छा फोन है। मैं इसको काफी महीनों 6-7 महीनों से इस फोन को यूज कर रहा हूँ। मैंने जो ये अगस्त में बाय किया था और अभी जो है फरवरी चल रहा है, काफी उसको महीने हो गए, तो काफी महीने से यूज कर रहा हूँ। मेरे तो बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हुआ है। आपने इसकी वीडियो क्वालिटी भी देखी, ऑडियो क्वालिटी भी देखी, इसकी वीडियो और सेल्फी कैमरे भी देखी, सारी आपने जो इसकी देखी होंगी। लेकिन आज मैं इसको पूरी डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कि इसी फोन से मैं शूट भी करता हूँ, अपनी वीडियोज करने में ओप्पो एच डी से करता था, लेकिन मैंने उसको जो है सेल कर दिया और रियलमी 3 ले लिया। और ये बहुत ही अच्छा जो फोन है, इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा कम है। आपको इसकी प्राइस का तो पता ही होगा, लेकिन ये बजट फोन, बजट के लिए बहुत ही एक जो अच्छा मोबाइल है। 4GB हमारा फोन रियलमी 3, यहाँ पर रियलमी की ब्रांडिंग दी हुई है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, और पीछे अगर हम जो है कुछ स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है 4GB। देखिए यहाँ पर लिखा है 4GB 64GB रियलमी RMX 1821 मोबाइल फ़ोन। कलर है इसका रेड एंड ब्लू, और जो है EMI कोड वगैरह कुछ सब कुछ लिखा हुआ है इसका। यहाँ पर देखिए डेट लिखी हुई है, जब ये मतलब जो रिलीज हुआ था फोन 2019-7-8 ये पाकिस्तान में जब रिलीज हुआ था तो तब की डेट है, इंडिया में तो कब से रिलीज हो गया था। और यहाँ पर भी रियलमी 3 कुछ इस तरीके की ब्रांडिंग दी हुई है, तो पूरा इसका बॉक्स कुछ इस तरीके का लगता है। यहाँ पर जो यहाँ पर भी रियलमी की ब्रांडिंग है, यहाँ पर भी रियलमी 3 लिखा है। और ये फ़ोन की अगर मैं आपको बात सबसे पहले जो बात बता दूँ, तो ये बहुत ही एक अच्छा फ़ोन है और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। मैंने इसकी वीडियो भी शूट की, आपने ऑडियो क्वालिटी देखी होगी, इसकी वीडियो क्वालिटी देखी होगी। अगर आप व्लॉग बनाना चाहते हो, इससे कुछ भी बनाना चाहते हो, तो यार सबसे पहले आपको जो फ़ोन से स्टार्ट करना पड़ता है। यूट्यूब तो आप इजीली इससे कर सकते हो, लेकिन बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग भी शुरू कर लेते हैं। यार मैं इसको काफ़ी महीनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैंने इसका डिब्बा मेरे पास था, लेकिन मैंने इसको वैसे ही पैक कर दिया जैसे आया था। थोड़ी अगर सॉल्यूशन टेप यार आपको लगे तो जो है उसके लिए सॉरी। देखिए कुछ इस तरीके का जो बॉक्स है, यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यार ये बॉय वाला अपना पुराना कटर, टूटा हुआ कटर है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी चलिए हम इससे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखिए खुल चुका है डिब्बा, और जो है यार इसको जो बहुत जो ज़्यादा मुश्किल से निकालना पड़ता है, क्योंकि यार ये अंदर फंसा हुआ होता है। देखिए ये कुछ इस तरीके का एक मैट रुकेगा, यहाँ पर भी जो सॉल्यूशन टेप लगी है, तो मैं इसको भी पहले हटा देता हूँ और अभी इजीली निकल जाएगा। लेकिन यार इतना अच्छा लगता है, यार इतनी अच्छी फीलिंग आती है जब ये निकलता है। तो यार सबसे पहले जैसे हमने डिब्बा खोला, तो सबसे पहले हमें मिलती है यहाँ पर डीवी रियलमी की ब्रांडिंग, यहाँ पर ट्विटर का लोगो, फेसबुक का लोगो, यूट्यूब का लोगो, इंस्टाग्राम का लोगो। तो आप इससे बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स खींच सकते हो। पर बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी इसके लिए, यार सॉरी। लेकिन जो ट्विटर पर आप इससे अच्छी अच्छी पोस्ट अपनी अपलोड कर सकते हो, और जो है इस पर जो बहुत यार ये फास्ट चल रहा है, टच बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फेसबुक भी, फेसबुक पर आप अपने अच्छे 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 फोटो भेज सकते हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे मोड भी हैं कैमरा के लिए। यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का लोगो भी है। तो यार सबसे पहले यहाँ पर ही आते, तो सबसे पहले इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ही हम इसको खोलते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आता है एक सिम एजेक्टर टूल, ये रहा सिम एजेक्टर टूल। तो हम सबसे पहले इसको जो है यहाँ से खोल लेते हैं, फिर उसके बाद हमें आता है एक कवर, उसके अंदर जो है रियलमी की जो है ये कुछ जो है गाइड है, क्विक गाइड है, और जो है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइड है। तो हम इन दोनों को रख देते हैं साइड पर, और अंदर हम बॉक्स की और ज़रा बॉक्स के अंदर चलते हैं। तो यार सबसे पहले हमें मिल जाता है फिर अपना फ़ोन, और मैं फ़ोन को भी यहाँ से निकाल लेता हूँ और जो इसको बूट कर देता हूँ। यार देखिए कितना ही प्यारा फ़ोन लगता है, लेकिन हम फ़ोन की तरफ बाद में चलेंगे। सबसे पहले हम अपने मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। तो जब ऑन करते हैं तो रियलमी कुछ इस तरीके की ब्रांडिंग देता है। उसके बाद अगर हम बॉक्स में चल रहे हैं, तो सबसे पहले ये एक ऊपर रखा हुआ होता है मोबाइल की सेफ्टी के लिए। फिर अंदर आता है एक ये चार्जर, और ये चार्जर जो है मेरे ख्याल में 1 एम्पीयर का एक चार्जर होता है। यहाँ पर देखिए ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यह 0.4 एम्पीयर का चार्जर 5 वोल्ट का है, और जो बल्कि 2 एम्पीयर का चार्जर है 5 वोल्ट का, यानी जो 1 मिनट में 1% ये चार्ज कर देगा। और ये कोई फास्ट चार्जर तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो चार्जर है। अगर आप चाहें तो इसको जो पढ़ भी सकते हैं, देखिए आप इसको पढ़ भी सकते हैं इजीली। और जो फिर उसके बाद जो हमें मिलती है एक ये वाली जो है ये माइक्रो यूएसबी केबल। तो सबसे पहले हम इसको भी निकाल लेते हैं इजीली, ये भी निकल चुकी है। और जो देखिए कुछ इस तरीके की जो है अच्छी खासी लंबी तार है, तो आप इसको ईजिली जो है लगा सकते हो। उसके बाद जो है हमें अपना मोबाइल मिलता है। यार ये जो पीछे से कुछ इस तरीके का दिखता है, लेकिन यार सबसे बड़ा इसमें मसला है, अगर आप जो अपनी उंगलियां इस पर रखोगे तो छप जाएंगी,
वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसके लिए सॉरी, लेकिन ये क्योंकि अनबॉक्सिंग है तो इसके लिए सारी आपको डिटेल्स बतानी पड़ती हैं। और यार अगर आप इस पर हाथ पाथ लगाओगे तो उंगलियाँ जो है इस पर देखिए ईजिली जो है छप जाती है, तो यार आप इसको कवर में ही रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं सबसे पहले इस पर कवर चढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए यार इसमें मैंने कवर चढ़ा दिया है अपना, और यार मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें पासवर्ड भी लगा है, वरना आपके पास तो पासवर्ड यहाँ पर लगा हुआ नहीं आएगा। और ये देखिए हमारा फ़ोन जो है सबसे पहले कुछ इस तरीके का लगता है। यार इसका वॉलपेपर भी चेंज आता है, उसमें कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं होती। मैंने आपको अभी बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा पहले से यूज़ कर रहा हूँ, और जब इसको हाथ में रहते इतनी अच्छी प्रीमियम सी एक फीलिंग आती है। यहाँ पर मोबाइल के तो पीछे है इसके एक फिंगरप्रिंट, और जो फेस अनलॉक भी है जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ ये देखिए यहाँ पर मैं टच करूँगा और ये देखिए इजीली खुल गया। और अगर फेस अनलॉक की बात कर ली जाए तो देखिए मुझे सिर्फ मैं अपना फेस आई करता हूँ और ये फ़ौरन ही खुल जाता है। और यहाँ पर यार अगर इसकी सेटिंग्स की कुछ बात कर ली जाए तो ये चलता है एंड्रॉयड 9.0 पाई पर। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है कलर ओएस वर्जन इसका 6.0, क्योंकि मैंने इसको अपडेट कर चुका हूँ, और एंड्रॉयड वर्जन है 9, यानी 9.0 वो हो गया। और देखिए डिवाइस स्टोरेज इसका 64 GB। यार मेरे पास बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं उसकी वजह से इतना ज़्यादा भरा हुआ है। और जो है 13 MP का इसका जो है कैमरा है, और 2 MP जो डेप्थ सेंसर है वो है। और जो है देखिए सारी इसकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सॉरी। और यार देखिए यहाँ पर ये इसकी अगर कैमरा क्वालिटी की बात कर ली जाए तो आपने तो मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर सेल्फी कैमरे की बात कर ली जाए तो मैं आपको कुछ फोटो सैंपल्स दे देता हूँ। और यार देखिए अगर मैं देखिए इस बॉक्स की पिक्चर लूँ तो यार देखिए कितनी ही ज़्यादा ही क्लियर पिक्चर आती है। देखिए मैंने पिक्चर ली देखिए मैंने पिक्चर ली, और देखिए पिक्चर कितनी ही ज़्यादा क्लियर आई है, और देखिए इसकी डिटेल्स कितनी ज़्यादा जूम होती है। और यहीं से आप जो है एडिट भी कर सकते हो आराम से इजीली पिक्चर्स अपनी, अगर आप जो भी एडिटिंग सिंपल एडिटिंग चाहते हो तो ये इजीली यहाँ से आप कर सकते हो। यार ये मोबाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छे, देखो ये यहाँ पर मेरी वीडियो भी थी और ये कुछ पोर्ट्रेट, इसमें पोर्ट्रेट मोड भी है, तो देखिए मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। तो पोर्ट्रेट मोड में भी एक पिक्चर, देखिए मैंने पिक्चर ले ली पोर्ट्रेट मोड में, और ये देखिए कुछ इस तरीके की लगती है। ये जो सिर्फ मैं आपको ये ऐसे ही दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ सैंपल्स भी दे दूँगा पोर्ट्रेट के। देखिए आप ज़रूर सैंपल्स भी देख लो उसके। और देखिए यहाँ पर जो इसके अगर इसके कैमरे की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, नाइट स्केप, पैनोरामा एक्सपर्ट, टाइम लैप्स, स्लो मोशन। मैंने आप स्लो मोशन 120 FPS तक ले सकते हो, अगर आप जो रियल मी 3 Pro लेते हो तो उसमें जो है आपको 960 FPS तक इजीली मिल जाते हैं। और जो इसमें एक्सपर्ट का जो मोड है आप इजीली इससे भी जो अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले सकते हो, और टाइम लैप्स का तो आपको पता ही होगा, और नाइटस्केप मोड भी है जो कि इसमें बहुत ही एक अच्छी बात है। वीडियो 1080p 30 FPS तक शूट कर लेता है इजीली, और जो यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स हैं, इसकी फ्लैश लाइट भी, और ये 4x तक जूम कर लेता है इजीली, वो तो हर मोबाइल में ही होता है। अगर यार आपने मेरा Oppo A3s का रिव्यू ना देखा और अनबॉक्सिंग, तो उसको भी ज़रूर आप जो है चेकआउट कर लेना। और यार चलिए फिर मैं आपको इसका रिव्यू भी दे देता हूँ। यार मेरे लिए तो एक बहुत ही अच्छा मोबाइल जो है साबित हुआ है, और यार आपको अगर चाहिए तो अगर मुझे इसकी लिंक मिली तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बात करी जाए इस फोन की रिव्यू की, तो यार मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा फोन साबित हुआ है। इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ 24,000 rupees का, और जो है अगर आप अभी तो जिस टाइम में लिया था उसके भी 24,000 का, अभी तो अगर आप प्राइस चेक करो तब ज़्यादा होती रहती है प्राइस, लेकिन इंडिया में अगर आप तो इंडिया में आपके लिए बहुत ही अच्छा फोन साबित हो सकता है। और फिर रियलमी 5 भी आ चुका है, 5 Pro भी आ सकता है, तो अगर आप लेना चाहोगे या 5 Pro या 5 में आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, तो रियलमी का एक पुराना वर्जन हो चुका है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो उससे थोड़े रियलमी 5 को थोड़े कम बजट में, तो रियलमी 3 फोन आप ज़रूर लो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फोन है, 4 GB 64 GB वेरियंट भी है, 3 28 GB और 32 GB वाला वेरियंट भी है, 2 GB 16 GB वाला वेरियंट है। और हमने Oppo A3 सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, सॉरी यार मैंने सोल्ड बोल दिया था गलती से, सेल जो है इसलिए कर दिया क्योंकि यार सिर्फ 2 GB 16 GB रैम थी, बस पबजी मेरा खेलना होता था उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा कम थी, तो उसकी वजह से फिर मैंने रियलमी 3 ले लिया। पर अगर आपको
वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।